हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट की, देखेंगे कि इन्होंने आज कैसा मूव किया और हमें कल के दिन इसमें कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी की। तो देखिए, निफ्टी ने अपने फ्राइडे के हाई को ब्रेक किया और आज पूरे दिन एक ब्लिश ट्रेंड में रहा है। जैसा कि आप देखोगे तो यहाँ पर इसने जैसे ही अपने हाई को ब्रेक किया, आज इसने अपने हाई के ऊपर ही ओपनिंग दी और यहीं से आप देखो इसने ओपन किया 15,435 पर और लगातार इसने एक अप ट्रेंड दिखाया। बीच में इसने 15,400 को नीचे की जरूर ब्रेक करने की कोशिश की थी, लेकिन बिल्कुल भी सस्टेन नहीं हुआ। 15,410 का इसने लो लगाया और यहीं से अपसाइड में निकल गया और फाइनली इसने क्लोजिंग दी आप अगर देखोगे 15,570 पर, और इसने आज का इसका हाई रहा 15,599 रुपये का। तो देखिए, कल के लिए हमारे पास काफ़ी ईजी लेवल्स हैं। अगर कल ट्रेडिंग की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी अगर आप देखोगे तो दो दो ट्रेंड लाइन के बीच में लगातार ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसको थोड़ा और अच्छे से लगाएं, ट्रेंड लाइन को मेंटेन करें, तो आप देखोगे एक ट्रेंड लाइन हमारी ये हो गई और दूसरी ट्रेंड लाइन ये हो गई। इन दोनों ट्रेंड लाइन के बीच में निफ्टी फंसा हुआ है आप देखोगे, और रेंज काफ़ी कम बची है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास रेंज काफ़ी कम बची है, तो इसको ब्रेक करने का इसका टाइम आ चुका है। तो अगर बात करें कल के दिन की, तो अगर बैंक निफ्टी 15,610 के ऊपर ट्रेड करता है तो आप इसमें एंट्री कर सकते हो। बात करें अगर स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस आपका इसमें रहेगा 15,540 का। अगर ये 15,610 के ऊपर निकलता है, आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखना है कि जब ये 15,600 के नीचे ओपन होने के बाद ही 15,610 को ब्रेक करेगा, तभी आपको इसमें एंट्री करनी है। अगर निफ्टी गैप ओपन करता है, लाइक अगर ये 15,650 के ऊपर ओपन करता है, तो फिर आपको वेट करना है। ये थोड़ा बहुत ऊपर जाकर फिर वहाँ से एक डाउन ट्रेंड दिखाएगा, तो जैसे ही ओपन होने के बाद ये अपसाइड में जाता है और वहाँ से रिवर्स होता है, तो जब ये अपने उस डे के पहली कैंडल के लो को ब्रेक करेगा, तो उस कंडीशन में आप वहाँ पर एंट्री कर सकते हो। लाइक अगर ये 15,650 के ऊपर ओपन होता है, वहाँ से हाई लगाता है 15,700 का, जब वो रिवर्स होगा 15,650 को ब्रेक करेगा, तो उस कंडीशन में आप वहाँ पर एंट्री कर सकते हो। अगर बात करते हैं ये सही से ओपन होता है, यहाँ 15,600 के नीचे ही ओपन होता है और यहाँ से ये अपसाइड में निकलता है, तो फिर आप 15,610 के ऊपर आप आसानी से एंट्री कर सकते हो। टारगेट रहेगा, टारगेट आप 70 से 80 पॉइंट के लिए आप जा सकते हो। स्टॉप लॉस आज में 15,530 और 540 का आप मेंटेन कर सकते हैं। बात करें सेल साइड की, सेल साइड में यहाँ पर अगर आप देखोगे ये 15,510 के नीचे अगर निकलता है, यहाँ पर अगर ये आप देखोगे इसने एक रेंज बनाया है, यहाँ पर एक रेंज है, तो अगर ये 15,510 के नीचे निकलता है तो आप इसमें सेल साइड के लिए जा सकते हो 15,590 का स्टॉप लॉस रखकर। टारगेट के लिए आप 15,430 का रख सकते हो। अगर 15,430 को ब्रेक करता है, तो देखिए हमारे पास एक 15,400 का काफ़ी मेजर सपोर्ट है, जिसको निफ्टी भी ब्रेक करता नज़र नहीं आ रहा है, तो आप छोटे टारगेट ले जाओगे तो आप आसानी से प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे निफ्टी के लेवल्स क्लियर हो चुके हैं, बस आपको ध्यान में रखना है कि ये सही प्राइस पर ओपन होना चाहिए। अगर गैप अप ओपन होता है और वहाँ से अगर अपने लो को ब्रेक करता है, तो फिर आप उसमें एंट्री कर सकते हो। आपको फिर उस कंडीशन में आपको बाई साइड के लिए नहीं जाना है। चलिए देखते हैं जो बैंक निफ्टी के चार्ट है वो क्या कहते हैं। देखिए बात करेंगे बैंक निफ्टी के, तो बैंक निफ्टी ने भी हार्ली चार्ट पर एक बेहतरीन ट्रायंगल बनाया हुआ है। यहाँ पर अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देखते हो, तो हमारी एक ट्रेंड लाइन ये हो गई और दूसरी ट्रेंड लाइन हमारी ये हो गई। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ बताया था कि आप देखोगे लगातार ये यहाँ से एक रेजिस्टेंस इसका ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा इसने ये लिया था, लेकिन इस टाइम पर इसने बिल्कुल भी अपने इस रेंज को ब्रेक नहीं किया है। हालांकि हमें मूवमेंट बिल्कुल देखने को मिली निफ्टी बैंक निफ्टी में, और इसका एक सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट, और इस टाइम पर निफ्टी अगर आप देखोगे तो बिल्कुल ही इसने एक रेंज में फंसा हुआ है। अगर हम इसको हटा कर एक बड़ा रेंज बनाते हैं, तो आप देखोगे ये पूरा एक रेंज फंस चुका है यहाँ पर। अब हमारे पास यहाँ पर काफ़ी क्लियर लेवल्स हैं बैंक निफ्टी के लिए, इसका काफ़ी इजी सा है। आप देखोगे जैसे ही यहाँ पर ये अपने इस डे के हाई को ब्रेक करता है, जो कि हमारा 35,670 का 669 का, इसके ऊपर जब बैंक निफ्टी ट्रेड करता है, तो वहाँ पर हम बाई साइड के लिए जा सकते हैं। क्योंकि अगर हम डे के चार्ट पर देखें इसको, मैं आपको डेली के चार्ट पर अगर दिखाऊँ, तो यहाँ पर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने काफ़ी बुलिश कैंडल आज बनाई हुई है, और बैंक निफ्टी में हमें एक खास पैटर्न देखने को मिला। आप देखोगे तो यहाँ पर इसने दो बुलिश कैंडल बनाई, इसने फिर गिरावट एक आप देखोगे डाउनफॉल लेने का इसने ट्राई किया, लेकिन इसने जो दो दिन में मिलाकर जो डाउनफॉल दिखाया, अगले दिन इसने सिर्फ एक बुलिश कैंडल में सारे ही डाउनफॉल को इसने रिकवर कर दिया और उससे भी बैंक निफ्टी बुलिश हो गया। अगले दिन सेम ही हुआ, एक छोटी सेमी रेड कैंडल देखने को मिली, एक रिवर्सल कैंडल देखने को मिली, लेकिन आज के दिन फिर हमें एक अच्छा सा हैमर देखने को मिला है, एक बुलिश हैमर, और यहाँ से बैंक निफ्टी जैसे ही अगर अपने यहाँ पर
अपने फ्राइडे के हाई को ब्रेक करता है तो निश्चित हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी पर आप खासा नजर रखिएगा। बैंक निफ्टी को हम बाय करेंगे अगर 35,680 के ऊपर निकलता है सस्टेन करते हुए, तो निश्चित हमें एक अच्छी मूवमेंट इसमें देखने को मिल सकती है। बाई साइड में हमारा रहेगा 35,680 के ऊपर। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस के लिए यहाँ पर आप 15 मिनट की कैंडल में अगर आप देखोगे तो हमें एक रेंज देखने को मिल रहा है ये, तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 35,530 का। और अगर बात करें बैंक निफ्टी के सेल साइड के, तो देखिए सेल के लिए यहाँ पर हमें एक आप देखोगे एक सपोर्ट देखने को मिला है ट्रेंड लाइन का। तो जब ट्रेंड लाइन के नीचे का निकलता है यानी कि 35,500 के नीचे बैंक निफ्टी का ट्रेड करता है, तो फिर आप इसमें सेल साइड के लिए जा सकते हो। स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 35,640 का, 35,640 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें सेल साइड के लिए जा सकते हो। टारगेट आपको काफ़ी ईजिली 35,390-380 का देखने को मिल जाएगा। अगर 35,380 के नीचे निकलता है फिर आपको 35,200 का टारगेट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं यहाँ की, अब बात करेंगे बाई साइड के टारगेट की। तो देखिए बाई साइड के टारगेट में बैंक निफ्टी इस टाइम पर अपने बिल्कुल टॉप पर चल रहा है, तो अगर ये 35,670 के ऊपर निकलता है तो फिर आपको ईजिली 200-300 पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। हाँ, जब जब आपको प्रॉफिट मिलता जाएगा आप स्टॉप लॉस को ड्रिल करते जाइए और आप एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी सीखने को मिला हो तो आप कृपया वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा आपकी पूरी हेल्प करने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।